वासना के भोग सुख से हुआ पतन, प्रस्तुत है स्टॉप सावधान, मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 13, सिंह गुफावासी मुनि। हमने आचार्य श्री स्थूल भद्र जी की सीरीज में देखा कि जिस महात्मा ने विकराल सिंह के गुफा के पास खड़े रहकर पूरा चातुर्मास पूर्ण किया था, उनकी वात्सल्यपूर्ण मुद्रा से सिंह उनके प्रति ठंडा बन गया था। वो मुनिवर अपने गुरु भाई स्थूल भद्र जी से ईर्ष्या के चलते उनकी नकल करने के चक्कर में पतन को प्राप्त हो गए। वे रूप कोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास करने गए, गुरु ने मना किया, फिर भी गए। न साथ था गुरु का आशीष, न था गुणानुराग, थी तो मात्र ईर्ष्या। रिजल्ट हमने देखा, रूप कोशा को देखकर मुनि में वासना की आग भड़क गई। उन्होंने वेश्या से काम सुख की मांग भी कर डाली। वो तो अच्छा ही हुआ कि उस नारी ने इस मुनि को काया के पतन से बचा लिया। मात्र निमित्त का छोटा सा संग और बहुत बड़े मुनि का पतन। छोटा सा कंकड़ भी गढ़े को फोड़ सकता है, अंदर साधना का पूरा जल बह जाए, ठीक वैसी बात है। ये मुनि को तो कोशा ने प्रतिबोधित कर फिर से भेज दिया, लेकिन पोर्नोग्राफी में गंदी वेब सीरीज में अटके लोगों को कौन बचाएगा, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। संभूति मुनि, एक नारी के बाल की लट मात्र ध्यानस्थ और आजीवन अनशन की प्रतिज्ञा करने वाले मुनि संभूति के पैरों को छूकर सरक गई। एक सेकंड के 100वें भाग जितना काल मुश्किल से चरणों को छुआ होगा, परंतु धत, इस मक्खन जैसे स्पर्श ने मुनि की कठोर आत्मा को झकझोर दिया। संभूति मुनि को स्वयं मुनि होने पर बिल्कुल रुक्ष व कठोर जीवन जीकर भोग सुख नहीं भोगने पर बहुत पश्चाताप हुआ। साथ खड़े चित्र मुनि को उन्होंने अंतर की बात खुले मन से बताई। उन्होंने संभूति मुनि को इस भयानक बवंडर से पीछे हट जाने के लिए बहुत समझाया, परंतु वो मुनि नहीं माने। उन्होंने तप के बल में आगामी भव में उत्तम स्त्री रत्न पाने का निर्णय कर लिया। हाँ, उसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती होने को मिला, ऐसा स्त्री रत्न मिला, भोग भी मिले, परंतु अंततः तड़प कर मरे। पुरुष सातवीं नरक और स्त्री छठी नरक को गए। आज भी दोनों एक दूसरे को याद करते हुए वहां लगातार तड़प रहे। बाल की लट के एक निमित्त का संग और समग्र जीवन की सत्यानाशी। कई बार धर्म से जुड़े हुए नए युवान कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्मचर्य के इतने कठिन नियम क्यों। इस घटना को सुनकर जान गए होंगे कि ब्रह्मचर्य में इतनी सावधानी क्यों बरती जाती है। रह नेमी जी, भगवान नेमिनाथ जी के भाई चरम शरीर यानी कि उसी भव में मोक्ष होने वाला हो, ऐसे मुनि रह नेमी जी। मोह ने उनकी शर्म नहीं करी, बरसात में भीगे वस्त्रों को उसी गुफा में भाभी राजूमती साध्वी जी ने खुले रख दिए। वो निर्वस्त्र खड़ी रही, उन पर देवर मुनि की नजर पड़ी। नजर पड़ने के साथ ही आत्मा में पड़ा संस्कार का गोला बारूद फटा, वासना की आग की भभक में पूरी आत्मा लिपट गई। परंतु खुश हो, अच्छा हुआ भाभी साध्वी जी ने उन्हें कायिक पतन से उबार लिया। समझने जैसी चीज है, साधना के लिए दीर्घ काल चाहिए, पतन के लिए एक क्षण भी पूरी नहीं। कैसी है इस निमित्तों के चिंगारी की ताकत। पोर्नोग्राफी आदि में एडिक्टेड लोगों का हाल भी ऐसा ही होता है। आज देख लिया, आज के बाद नहीं देखूंगा, ऐसा संकल्प भी ले लेते हैं। 2-3 दिन बीत गए, कई बार 4 दिन बीत गए, लेकिन फिर मोबाइल अथवा टीवी में ऐसा कोई एक चेहरा देख लिया कि फिर से गटर में गिरे बिना नहीं रह पाते। लक्ष्मणा साध्वी जी, जो वास्तव में महाशीलवती साध्वी जी थी, उन्होंने कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित नहीं सोचा। लेकिन ऐसी क्या घटना घटी कि 80-24 के असंख्य काल का संसार उनका बढ़ गया। आदिनाथ प्रभु से महावीर प्रभु तक 1-24, ऐसी 1-2-5-10-20 नहीं, 50 नहीं, 80-24 तक उनका संसार भ्रमण बढ़ गया। चिड़ा चिड़ी का यानी कि बर्ड्स का मैथुन यानी कि फिजिकल होना उनकी नजर में अचानक पड़ गया, और इससे जो विषय कषायों की आग पैदा हुई, उसने उनकी आत्मा को मोक्ष के दरवाजे पर बिल्कुल नजदीक में लाकर खड़ी आत्मा को 80-24 के सुदीर्घ संसार में फेंक दिया। इनकी कथा डिटेल में जानने जैसी है, जो हम स्टॉप सीरीज के बाद अवश्य लेने का प्रयास करेंगे। स्टॉप सीरीज के बाद भी अगर व्यक्ति को वासना की भयानकता समझ में न आती हो, तो उस व्यक्ति को लक्ष्मणा साध्वी जी की कथा देखकर जरूर कंपन पैदा होगी। सौभरी ऋषि, सौभरी ऋषि को अपनी उग्र तप साधना का अधिक अभिमान हो गया था। लोगों के द्वारा मिल रहे मान सम्मान से अहंकारों में मग्न हो गए थे। वे अभी और उग्र साधना कर लोगों को अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। ऐसी उग्र साधना करने के लिए उन्होंने प्राणवायु को काबू किया, घंटों तक वे श्वास रोक सकने लगे। फिर उन्होंने नदी के गहरे तल पर बार बार घंटों और दिनों तक पानी में समाधि लेना शुरू किया। लोग ये जानकर स्तब्ध होने लगे, परंतु अफसोस, एक दिन पानी की अटल गहराई पर पालती लगाकर बैठे ऋषि ने मैथुन क्रीड़ा कर रहे मत्स्य युगल को देखा। काम वासना की आग पानी में भड़क गई। अचानक एकदम बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, एक ऋषि का बुरी तरह से पतन हो गया। पालती छोड़ी, पानी छोड़ा, साधना छोड़ी, वेश छोड़ा, साधुपना छोड़ा,
राजा की 50 राजकन्याओं के साथ विवाह कर आजीवन भोगी बनकर मानव भव को कुचल कर रख दिया। मछली के युगल के सेक्सुअल होने के निमित्त ने एक ऋषि मानव की भीषण हत्या कर डाली। इस वासना ने कितनों को बर्बाद किया है, सोचने जैसा है। फिर भी नॉनस्टॉप कुछ लोग देखते जा रहे। इतना ही नहीं, देखकर उसे बढ़ावा भी दे रहे। सोचिए, ये पोर्नोग्राफी को देखना, गंदी वेब सीरीज को देखना व्यक्ति को कहां तक ले जाएगा। जिनकी इस माध्यम से कमाई हो रही है वो आपको कभी भी ये सब नहीं देखने की सलाह कभी नहीं देंगे। वो तो उल्टा गंदे से गंदा दिखाएंगे, क्योंकि उनका मकसद पैसा है, परिणाम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कुदरत का नियम अटल है, गंदगी दिखाने वाला तो मरेगा ही, लेकिन देखने वाला भी साथ में मरेगा। ये उम्र से मरना नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता से, आत्मा से मरने की बात है। अगले एपिसोड में और एक घटना देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।